किस तरह से पहाड़ बना दिया जाता है हमारे बॉलीवुड में, तो क्या तुम हमारे दर्शकों को बताओगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? जी रिदम, ऑब्वियसली कंगना रनावत की मूवी आ रही है मेंटल है क्या, और सुनने में ये आ रहा है कि वो ऋतिक रोशन की मूवी सुपर 30 से क्लैश होने वाली है। मतलब अब आपने ये तो देख लिया कि हमारे बॉलीवुड में किस तरह से राय का पहाड़ बनाया जाता है, लेकिन अब मैं आपसे यही चर्चा करने वाली हूँ आपके साथ में, और मैं अकेले नहीं हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड न्यूज़, और मेरे साथ में है कीर्ति मौर्य। साथ ही साथ हमारे साथ में बात करने वाले हैं नाना पाटेकर, और नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो आपको कीर्ति बताएगी। बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है वो और बहुत ही स्वैगफुल है, उनका नाम है गणेश गायतोंडे। और बात है कीर्ति, और हमारे साथ वो जो चर्चा करेंगे वो बड़ी ही मजेदार होगी, तो आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कीर्ति, सो मैं जानना चाहूँगी कीर्ति सबसे पहले आपसे कि भाई जिस तरीके से बॉलीवुड में राय को पहाड़ बनाया जाता है, जबकि कोई भी दोनों फिल्मों में कोई क्लैश नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से न्यूज़ पे न्यूज़ बनाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि कंगना रनावत और ऋतिक रोशन के बीच में कोई क्लैश हो सकता है, फिर से फाइट, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो है सिर्फ एक एक स्टंट हो सकता है, पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, क्या तुम कहना चाहोगी इस बारे में? कंगना रनौत और ऋतिक रोशन, ये चीज़ बॉलीवुड के लिए इतनी पॉपुलर है, और लोगों को हमेशा लगता है कि कंगना रनौत जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करती है वो अपनी मूवी के एक दो महीने पहले क्रिएट करती है, और लोगों को लगता है ये तो भाई मूवी की पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। बट लोग ये ध्यान नहीं देते कि कंगना रनौत कोई बात नहीं छेड़ती, लोग वो बात छेड़ते हैं। क्या बात है, अगर यही सेम सवाल मैं अगर नाना पाटेकर से करूं तो वो क्या कहते हैं, चलिए वो भी सुन लेते हैं। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। तो दोस्तों नाना पाटेकर को तो अब आपने सुन लिया, अब हम सुनेंगे गणेश जी को। गणेश गायतोंडे जी, बताइए आपकी राय क्या है, आप क्या चाहते हैं कि क्लैश हो रही है कि नहीं हो रही है, और कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की फाइट तो मैंने सुना आपको बहुत पसंद है, आप बताइए आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? बोरीवली से लेकर बायकाला तक सबको पता चल गया कि कैलाश पाड़ा में एक नया भाई आया है, गणेश गायतोंडे। तो दोस्तों हम चारों की राय तो आपने जान ली है, क्योंकि दोनों ही फिल्मों में कोई क्लैश नहीं है, ना ही सुपर 30 और मेंटल है क्या, दोनों में कोई क्लैशेस नहीं है। तो अब आपको क्या कहना है, क्या आप भी कोई कमेंट करना चाहेंगे? भाई बिल्कुल करिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही नाना पाटेकर और गणेश गायतोंडे को मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल द वर्ल्ड न्यूज, और सब्सक्राइब कीजिए, हाँ सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए।